नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहलक्ष्मी में। आज हम जानेंगे वास्तु टिप्स। आर्थिक तंगी से बचना है तो घर में भूलकर भी ना रखें ये चीजें। घर में इन चीजों को रखने से आर्थिक तंगी आती है। तो दोस्तों, जानते हैं हम कौन सी है वह चीजें। यहाँ हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। टूटी फूटी चीजें, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी टूटा सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है जिससे हमें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। और इन तस्वीरों को भी घर पर नहीं रखना चाहिए, जैसे महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी भी समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। पुराने या फटे कपड़े की पोटली, अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मकता आती है और मानसिक स्थिति भी खराब होती है। पुराने और टूटे जूते चप्पल, पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से तुरंत बाहर निकाल दें। कबाड़ ना रखें घर पर, अक्सर लोग अपने घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान रख देते हैं। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। टूटी या खुली अलमारी, वास्तु अनुसार घर में रखी जाने वाली किसी भी तरह की अलमारी कभी भी खुली नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नकली पौधे, कुछ लोग घर में नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तु अनुसार ये बिल्कुल गलत माना गया है, अतः घर पर कांटेदार और नकली पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा ये वास्तु टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।